हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सोच रहा था कि मौसम थोड़ा अच्छा सा हो रहा है, धूप मतलब कम है, रोज के हिसाब से धूप थोड़ी कम है। तो मैं सोच रहा हूँ जाकर माइक ले आता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं फ़ोन में, और आवाज़ जो है ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो अब लॉकडाउन भी नहीं है तो मार्केट जो है खुली हुई है। वैसे चांदनी चौक की मार्केट तो बंद है जहाँ से मैं माइक लाता, पर कोई बाकी तो मार्केट खुली हुई है। तो मैं वहाँ से जाकर माइक लेने के लिए अभी निकलता हूँ। तो मिलते हैं सीधा बाइक पर। मैंने कहा था कि मौसम इस टाइम बहुत मज़ेदार हो रहा है, धूप भी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है एक छोटी सी राइड पर निकल लेते हैं। और इसलिए मैंने आज ग्लव्स भी नहीं पहने। तो देख सकते हो आज ग्लव्स नहीं पहने, क्योंकि मेरे को अभी माइक लेने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ पास में ही जाना है मुझे, घर से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरे पीछे बस आ रही है और वो हॉर्न का हॉर्न बजा रहा है, पर कोई बात नहीं, उसको चलने दो आराम से, क्योंकि रोड इतना चौड़ा नहीं है कि उसको निकलने दिया जाए आगे। तो अभी फिलहाल मेरे कैमरे की बैटरी कम है, सामने भी तो रेड लाइट हो रही है, तो थोड़ी देर यहीं वेट करते हैं रेड लाइट पर, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। थोड़ी दूर हो रहा है और वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को पूछना है कि लैपटॉप की मार्केट किधर है। और मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा भी बहुत तेज चल रही है और मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, पसीने बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और ये देखो, ये आते आते थोड़ी धूल लग गई बाइक पे, वैसे मैं घर से इसको एकदम साफ करके निकला था, और ये रास्ते में धूल पड़ गई इससे थोड़ी, खैर कोई बात नहीं। कोई वैसे बाइक ली थी मैंने पिछले साल, ली थी मैंने नवंबर अक्टूबर में खरीदी थी, तो ब्लैक कलर मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ब्लैक ही खरीदी। और अभी सर्विस करवाने के बाद इसकी सेकेंड सर्विस जो थी वो भी हो चुकी है, और सबसे एकदम मज़ा आ रहा है। और बहुत पूछ रही मत क्या मक्खन बाइक कर लिया इस टाइम सर्विस होने के बाद। चलो चलो जल्दी चलो, 16 seconds, 14, 13, चलो। घर पर आ चुका हूँ और जो भी शॉपिंग करनी थी वो सारी शॉपिंग हो गई, माइक भी आ गया, ट्राईपॉड भी आ गए दो, और अब मैं उनको दिखाऊंगा, पर अभी नहीं, उनको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी जो है मेरा पेट थोड़ा खाली है, खाना खा के मैं ऊपर आके फिर रात को थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि नॉन वेज ही बना होगा और ये वही निकला, तो मस्त करके मटन करी बनी हुई है। ओहो मज़ा आ रहा है, जीव ललचा रही है, और ये मेरे पेट में जाने के लिए एकदम तैयार है। तो गाइस, तो मैं खाना खा के ऊपर आ चुका हूँ, तब तो मैं दिखाता हूँ आपको कि आज मैं क्या क्या लाया था। मैंने तो देख लिया है, अब अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं।
इसमें ये ट्राइपॉड, अभी मैं एक सेकंड दिखाता हूँ एक से। तो ये रहा ट्राइपॉड, 6 feet ट्राइपॉड है ये। सिंपल वाला, और ये मैंने अलग से एक्स्ट्रा परचेज किया था। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कितना ऊंचा जा सकता है। और यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। इसके साथ जो माउंट आया था वो मैंने एक्चुअली फोन में लगा दिया है, और जो एक्स्ट्रा परचेज है वो मैंने वो रखा हुआ, उस पर मैं माइक लगा दूंगा। और जो दूसरी चीज़ परचेज की थी मैंने, वो भी एक ट्राईपॉड ही है, दिखाता हूँ वो कैसा है। ट्राइपॉड सेल्फ स्टिक, मतलब सेल्फ स्टिक ही समझ लो इसको। तो इसके साथ एक डाटा केबल भी मिली थी हमें, जिसको हम इसे निकाल कर इसको चार्ज करना पड़ता है यहाँ से। तो ये इसमें यहाँ पे निकाल के और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो के इसमें लगा दो, और फिर इससे ये देखो इस पर फोटो का है, इस पर वीडियो का है, इस पर ब्लूटूथ का है, बटन है, और ये ऐसे फिर दोबारा लग जाएगा। और ये भी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए काफ़ी लंबा है। तो इसके साथ भी एक माउंट आया है, ये रहा यही माउंट जो है उसके साथ आया था लंबे वाले ट्राईपोर्ट के साथ। और इससे व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, और व्लॉगिंग के साथ साथ फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं इससे हम अपनी। तो अब दिखाता हूँ तीसरी और स्पेशल चीज़, वो ये है, ये है बोया का माइक। तो मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो इसमें निकला है एक तो ये माइक, जिसमें ये फर लगे हुए हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और इसके साथ एक ये कवर आया है, और कैमरे के लिए एक ये केबल मिली है, और एक मिली है फ़ोन के लिए ये वाली केबल, और एक ये माउंट मिला है। तो इसको हम इसके ऊपर यहाँ पर चिपका सकते हैं, या फिर इसके लिए अलग से शू होल्डर मंगा सकते हैं, तो ये आराम से लग जाएगा। और मैंने चेक किया था वहीं शॉप पर ही, तो इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी। तो अब बात करते हैं सबकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये जो बोया का BY-MM1 माइक है, ये मेरे को पड़ा 2500 के अराउंड, क्योंकि मैंने बाहर से ख़रीदा था। ऑनलाइन ये 2000 का मिल जाएगा, 2000 या 2200 का, पर वहाँ पर बाहर से मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि वहाँ पर मैं इसको अच्छे से चेक करके ख़रीद सकता था, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने ये बाहर से ही ले लिया। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका भी और बाकी चीज़ों का भी। किसी को अगर कुछ भी मंगाना हो तो जो भी मैंने दिखाया उन सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो ये 2500 के अराउंड पड़ा मुझे, और ये वाली जो सेल्फ स्टिक है ये मुझे पड़ी 500 रुपीज़ की, और जो 16 इंच का ट्राईपॉड था ये वाला, ये मिला मुझे 750 का। तो अगर अच्छे लगे तो आप भी ये सब कुछ खरीद सकते हो, और ये मैंने खुद चेक किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।